कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और उनकी तुलना शादी समारोह में ज्ञानी अंकल से की जो हर बात पर लगातार शिकायत करते हैं और उपदेश देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विरासत कर को लेकर भी पीएम मोदी की आलोचना की और कहा कि ये धारणाएं गलत हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब अगर ये ज्ञानी अंकल कहते हैं कि एक राजनीतिक दल है जो अपने घर में एक एक्सरे मशीन लाएगा, आपकी सारी बचत, मंगलसूत्र और सोना स्कैन करेगा जिसे ले लिया जाएगा और पैसा बांट दिया जाएगा, तो आप हंसेंगे ही ना। महाराष्ट्र के लातूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि बेरोजगारी 45 सालों में अपने उच्चतम स्तर पर है और 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पद पिछले 10 सालों में नहीं भरे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी दावा करती है कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, यानी कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो विश्वास करना चाहिए कि IIT, एम्स, बड़े उद्योग आदि अब बन गए हैं। हमेशा कांग्रेस की गलती बताई जाती है और प्रियंका गांधी की ये टिप्पणी पीएम मोदी के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस लोगों की संपत्तियों, कीमती सामानों का एक्सरे कराकर उनके आभूषण और छोटी बचत को जब्त करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि देश ने कांग्रेस और अन्य दलों के अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सम्मानित प्रधानमंत्री को देखा है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का कद घटा दिया है, यानी कि पीएम मोदी ने पीएम पद का कद घटा दिया है। प्रधानमंत्री जी निम्न स्तर के हैं और प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस ने जो पाप किए हैं उनके बारे में कान खोलकर सुनो। मैं एक दिलचस्प तथ्य सामने रखना चाहता हूं। जब बहन इंदिरा गांधी का निधन हुआ था तो एक कानून बना था जिसके तहत संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार को मिलता था। उस समय ऐसी चर्चा थी कि इंदिरा जी ने अपनी संपत्ति अपने बेटे राजीव गांधी के नाम कर दी थी। इस पर प्रियंका गांधी का ये पलटवार सामने आया है और उन्होंने लातूर में क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनू मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना। अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हो और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना। मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना, हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति यह हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव तो वो सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है, ये सच हो सकता है। आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है
हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।